हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, फाइनली आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, 4 से 5 दिन हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम फिनिश हुए हुए। एंड आई एम श्योर गाइस, पिछले इतने टाइम से जो आप लोगों के माइंड के अंदर एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस चल रहा था, वो अब फाइनली आप लोगों का स्ट्रेस ख़त्म हो गया होगा। लेकिन गाइस, अभी का जो ये टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आप लोगों के साथ 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। पहला पॉइंट तो आपके रिजल्ट से रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों के पास होने ही चाहिए, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है खाली टाइम में क्या करें। तो गाइज, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आई एम श्योर आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करेंगे। गाइज, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें आगे करना क्या है। तो गाइज, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की थी उस टाइम पे मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखनी है ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर अगर कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, एंड अगर डाउट नहीं भी क्लियर होता तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज। ये 6 सेमेस्टर वाला जो बैच है, यानी कि ये 2019 वाला जो बैच है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बिकॉज गाइज, जब 2019 के अंदर ये CBCS सेमेस्टर सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL के अंदर आया था, उसी टाइम मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। एंड दोस्तों, उस टाइम से लेकर आज तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया है इस चैनल को कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैं आपको किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू वेरी 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 मच। तो गाइस, चलिए फटाफट से हम लोग हमारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रिजल्ट कब आएगा। गाइस, फाइनली 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, एंड अब सभी स्टूडेंट के माइंड के अंदर बस एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। गाइस, पिछले 5 सेमेस्टर से आप लोग इस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हो कि SOL के अंदर रिजल्ट जल्दी आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट में हमेशा डिले होता है। तो अभी राइट नाउ आपके रिजल्ट को लेकर कुछ भी कह पाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन गाइज, अगर एक अंदाज़ा मैं आप लोगों को बताऊँ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो गाइज आप लोगों को जो रिजल्ट है वो सितंबर तक आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन गाइज, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट है, इस डेट को आप लोग बिल्कुल 100% श्योर मत मानिएगा, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट है। इसके अलावा गाइज, रिजल्ट से रिलेटेड ही एक और क्वेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड के अंदर है, वो ये है कि अगर हम किसी एक एग्ज़ाम में या दो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, या फिर अगर इस बार हमने कोई एक एग्ज़ाम या दो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, या हमारा कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या हमें दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेकेंड फेज़ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में भी पूछ रहे हैं। तो देखिए गाइस, सेकेंड फेज़ के जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी एंड चीज़ों को पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड अगर बात करूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, या उनको ये डर है कि वो किसी एक या दो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, तो गाइस देखिए, उस कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने निकल कर आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है गाइस कि जिस एग्ज़ाम में आप फ़ेल होते हो वो एग्ज़ाम आपको सेकेंड सेमेस्टर के साथ देने का मौका दिया जाएगा अगले साल। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल कर आती है कि हो सकता है कि SOL आपको इसी साल ग्रेजुएट करके पास करना चाहे, तो आपको SOL एक और मौका दे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो दोस्तों, ये दोनों अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में कुछ भी कह पाना अभी बहुत डिफ़िकल्ट है। इन फ्यूचर आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें पता चलती जाएंगी, जैसे जैसे रिजल्ट का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता चलता जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो
अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन। देखिए गाइस, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। पहला तो दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपके रिजल्ट आने के बाद, वो होगी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट। गाइस, जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट अच्छे से आ जाता है, आप लोगों को आपकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको SOL की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। एंड इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। दोस्तों, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आप लोगों की हेल्प करता है अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बेसिकली जब तक आपकी डिग्री नहीं आती है तब तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज अ डिग्री आप लोगों के लिए वर्क करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड फाइनल ईयर की मार्कशीट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के लिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आपको SOL कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। ऑनलाइन ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोग अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। एंड फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के एक महीने बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग इन दोनों डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके इन दोनों के ऊपर SOL कैंपस जाकर स्टैंप लगवा लीजिएगा एंड ये दोनों डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कई बार स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर TC, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट उनकी पड़ती है। तो दोस्तों, ये जितने भी अदर डॉक्यूमेंट हैं इनके लिए आपको, अगर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो इनके लिए आपको SOL कैंपस विजिट करना होगा एंड वहाँ जाकर आपको बात करनी होगी। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको SOL कैंपस से मिलेंगे, आप लोग वहाँ जाकर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हो, आपको वो अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है वो आता है खाली टाइम में क्या करें। दोस्तों, अभी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया होगा। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स का जो एडमिशन फॉर्म था वो निकला हुआ था, जो कि 10 तारीख को क्लोज हुआ है एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा। तो गाइज, अगर आपने मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है तो गाइज अभी आप लोग अपने मास्टर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हो तो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। ये जो दो आपके पास खाली टाइम है इसको आप लोग वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर कोई गाइज ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है एंड अभी वो ये सोच रहा है कि पहले मेरा रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो गाइज उन स्टूडेंट को बस मैं यहाँ पे यही एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गाइज ये जो अभी आप लोगों के पास टाइम है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक का जो ये आपके पास टाइम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। गाइज, आप लोगों को पता है कि पिछले 2 सालों से कोविड ने कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर रखी थी, आप लोग खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, आपकी पूरी ग्रेजुएशन कोविड की वजह से उथल पुथल में गुजरी है। तो दोस्तों, अब जो ये खाली टाइम आप लोगों के पास है, इस खाली टाइम को आप लोग बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। इस खाली टाइम को आप कुछ अच्छी चीज़ को सीखने में यूटिलाइज़ कीजिए, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आज के टाइम में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, म्यूजिक, राइटिंग या फिर कोई भी चीज, आर्ट, आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड चीजें आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ऑनलाइन इतना अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है कि उस कंटेंट को आप लोग सीख कर अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो एंड अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है तो गाइज आप लोग म्यूज़िक सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग अवेलेबल कराते हैं। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे फ्यूचर जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आप लोग कुछ भी सीखो, बस सीखना ऐसी चीज़ जो कि आगे इन फ्यूचर आपको जॉब लेने में हेल्प करें। अगर आपने एक भी अच्छा स्किल सीख लिया गाइस, तो जॉब्स की आप लोगों के लिए कमी नहीं होने वाली है, बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ आई होंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब करने में, तो गाइस ये जो अभी का टाइम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है।
अभी सितंबर के आसपास काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म हैं वो आने वाले हैं। एंड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म की अपडेट लेनी है तो sarkaririzult.com ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप डेली चेक कर सकते हो कि कौन सा न्यू फॉर्म निकला हुआ है। आप फॉर्म भरकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब का जो पूरा सिलेबस है वो भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से एक अच्छा सा प्लान रेडी कर अपने आपको टारगेट दीजिए कि 3 महीने में या अगले 6 महीने में या 1 साल में आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे इन सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो गाइज आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, ये जो अभी खाली टाइम आपको मिला है, इस खाली टाइम में उस फील्ड में जाने के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है एंड कौन सा रास्ता है जो कि आपको जल्दी आपके गोल तक पहुंचाएगा, इसके बारे में सोचिए एंड उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी बातें समझाई हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। एंड वंस अगेन गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया एंड थैंक यू वंस अगेन। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।